नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रैफिक के मामले में बिहार को मिली बड़ी उपलब्धि, अब बिहार के किसी भी कोने से ऐप पर मिलेगी जाम की जानकारी। मैप माई इंडिया पर मिलेगा ट्रैफिक से जुड़ा लाइव अपडेट। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया एरियल सर्वे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। इस सर्वे के बाद हो सकती है बड़ी बैठक। खैनी की लत छुड़ाने के लिए सरकार की बड़ी योजना, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे तंबाकू सेंसर सेंटर। 25% लोग प्रदेश में कर रहे तंबाकू का सेवन। आज से नई न्यूनतम मजदूरी दर हुई लागू, 3 करोड़ कामगारों को होगा फायदा। श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना की जारी। बिहार के वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरा शतक, भारतीय टीम में अपने प्रदर्शन से मनवाया लोहा। वैभव ने तोड़े कई रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ट्रैफिक के मामले में बिहार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल अब मोबाइल के जरिए ही बिहार के किसी भी जिले के किसी भी सड़क पर ट्रैफिक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। मोबाइल पर आप ट्रैफिक से जुड़े लाइव अपडेट बड़ी ही आसानी से देख पाएंगे। ये लाइव अपडेट की सुविधा आपको मैप माई इंडिया ऐप के माध्यम से मिलेगी। ये सुविधा देने वाला बिहार चौथा राज्य बन चुका है। ये ऐप प्रदेश वासियों को जर्जर, पुलपुलिया, जाम, धरना, ब्लैक स्पॉट और खतरनाक मोड़ की जानकारी भी देगा। इस ऐप को लेकर ट्रायल रन भी हो चुका है। इस ऐप के जरिए 3 माध्यमों से आपको यातायात से जुड़ी सूचना मिलेगी, जिसमें कंपनी के बेस मैप पर पहले से कई जानकारियों का मौजूद होना, पुलिस की टीम द्वारा जानकारी अपडेट करना, जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और आम जनता भी ऐप पर तस्वीर के माध्यम से दुर्घटना या जाम की जानकारी अपडेट करेंगे। बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 58 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की है। अपने इस प्रदर्शन से वैभव ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इस 4 दिवसीय मैच में वैभव ने भारतीय पारी का आगाज किया और 62 गेंदों में 104 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के जड़े। अपने इस प्रदर्शन से वैभव ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। आपको बता दें कि वैभव रणजी ट्रॉफी, हेमंत ट्रॉफी, कूच बिहार और वीनू मांकर ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। बिहार में खैनी खाने से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। खैनी की लत छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार बड़ी योजना बना रही है। दरअसल इसके लिए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में टोबैको सेंसर सेंटर खोले जाएंगे। बीते 24 सितंबर को बिहार का सबसे बड़ा सेंटर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में खोला गया है। इसमें 30 बेड की सुविधा दी गई है, जहाँ खैनी की लत छुड़ाने के साथ इसके साइड इफेक्ट से होने वाली बीमारियों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश में 25% लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, इसे शून्य पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में बाढ़ से लाखों लोग परेशान हैं। अब इसी बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम नीतीश ने एरियल सर्वे किया है। इस दौरान कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। अब इस सर्वे को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों तक राहत कैसे पहुँचाई जाए, इसमें तेजी कैसे लाई जाए आदि शामिल है। आपको बता दें कि इस बाढ़ के कहर से 16 जिले प्रभावित हैं। बिहार की प्रमुख नदियों में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा उफनाई हुई है। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच कई बड़ी जानकारी सामने आई है। इस दौरान बिहार में राजा रजवाड़ा और स्टेट की जमीनों का ब्यौरा भी निकाला गया है। इसी बीच सरकार ने टिकारी स्टेट, मांझवे स्टेट की जमीन को लेकर निर्देश दिए हैं। यदि आप टिकारी स्टेट नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि टिकारी दक्षिण बिहार में भूमिहार ब्राह्मण समुदाय की जमींदारी संपत्ति थी। इन जमीनों को लेकर कहा गया है कि बिहार में राजा रजवाड़े और स्टेट की जमीन की जाँच की जाएगी। इन जमीनों से संबंधित सूची प्राप्त हो चुकी है। अब इन जमीनों के मानचित्र अभिलेख को डिजिटल प्रारूप में सर्वेक्षण में संधारण करना है। तकनीक के आधार पर सभी कार्य किए जाएंगे। जमीन का अद्यतन खतियान भी सर्वे के दौरान बनाया जाएगा, साथ ही सभी जमीन का सर्वे किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार ने संदेश दिया है। राज्यपाल आर्लेकर ने कहा है कि वृद्धजनों का आदर और सम्मान करना चाहिए, संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है।
उनके मार्गदर्शन और ज्ञान से हमारा परिवार और समाज सशक्त और सुदृढ़ बनता है। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि वृद्ध जनों के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारे बुजुर्गों अपने अनुभवों से समाज और नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाते हैं और घर परिवार में रिश्तों की बुनियाद को मजबूती देते हैं। इनके मार्गदर्शन से हमारा परिवार और समाज उन्नत व समृद्धशाली बनता है। 51,21,62,80,900 रुपए की राशि प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए स्वीकृति के साथ विमुक्त कर दी गई है, जिससे अब प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान हो सकेगा। ये सभी शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत हैं। महालेखाकार को इस संबंध में शिक्षा विभाग ने विधिवत जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वेतन भुगतान किया जाना है। न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम संसाधन विभाग ने वृद्धि की है। अब बिहार के कामगारों को आज से हर रोज 2 रुपए से 5 रुपए अधिक मिलेंगे। इससे करीब 3 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। विभाग द्वारा बीते दिन इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक सबसे अधिक 69 तरह के काम करने वाले नियोजन में अकुशल श्रेणी के मजदूरों को अभी तक 410 रुपए दिए जा रहे थे। वहीं अर्धकुशल को 426 रुपए, कुशल को 519 रुपए और अति कुशल को 634 रुपए मिल रहे थे, जिसमें 2-2 रुपए रोजाना की दर से विभाग द्वारा वृद्धि की गई है। वहीं लिपिकीय कार्य करने वाले कामगारों की मजदूरी में 44 रुपए की मासिक वृद्धि हुई है, जिससे अब उन्हें 11,780 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में मॉनसून के दौरान लंबे समय तक सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन बीते 5 दिनों में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मौसमविद के मुताबिक इस दौरान सामान्य बारिश 20 मिलीमीटर ही होनी थी। सामान्य से 5 गुना अधिक बारिश होने से कई जिलों में बारिश के आंकड़े बदल गए हैं। इस जलवायु परिवर्तन को मौसमविद किसी बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं। 5 दिन पहले बिहार के 38 जिलों में से 36 जिलों में बारिश की कमी थी, लेकिन अब लगातार बारिश से महज 24 जिलों में ही बारिश की कमी है। बिहार में बारिश की स्थिति 25 सितंबर तक 700 मिलीमीटर थी, हालांकि अब यह आंकड़ा 29 सितंबर तक 800 मिलीमीटर पर आ पहुंचा है। राज्य में अभी तक 992.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 800 मिलीमीटर बारिश होने के कारण अब महज प्रदेश में 20% बारिश हो चुकी है। आज से 6 से 7 दिन पहले तक प्रदेश में 28% बारिश कम हुई थी, जो अब 20% तक रह गई है। बिहार के 5वें नागरिक एयरपोर्ट का निर्माण पूर्णिया में होने वाला है। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य सरकार ने सिविल एनक्लेव और संपर्क पथ के निर्माण के लिए 58.18 एकड़ जमीन सौंपे हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट के भूमि सलाहकार अशोक कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पूर्णिया में पहले से ही सैन्य हवाई अड्डा है। अब इस एयरपोर्ट पर संयुक्त रूप से नागरिक विमानों का परिचालन भी होगा। बिहटा एयरपोर्ट की तर्ज पर इसका संचालन किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बिफरे नजर आए। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को कई महीनों से वेतन न मिलने के मामले में सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान बिहार सरकार पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सख्त रुख अपनाया, साथ ही सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जस्टिस मिश्रा के लिए अस्थायी जीपीएफ खाता खोलकर उनकी लंबित तनख्वाह को जारी कर दिया जाए। सीजीआई ने कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करवाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वेतन लेने के लिए जीपीएफ खाता होना जरूरी है। जिला न्यायालय से पटना हाईकोर्ट में जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को 4 नवम्बर 2023 को ही पदोन्नत किया गया था, लेकिन उन्हें पदोन्नत की तारीख से वेतन नहीं मिला क्योंकि उनके पास जीपीएफ खाता नहीं था। बिहार अंडर 19 पुरुष क्रिकेट में 18 वर्षीय तेज गेंदबाज तेजस्वी यादव का चयन वीनू मांकड़ ट्रॉफी टीम के लिए हुआ है। ये बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। तेजस्वी मधुबनी टाउन क्रिकेट क्लब के रजिस्टर्ड तेज गेंदबाज हैं। इनके छोटे और बड़े भाई भी जिला स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तेजस्वी को लेकर संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव ने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे होनहार खिलाड़ी का चयन होना जिला क्रिकेट संघ के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि तेजस्वी के इस उपलब्धि पर कई लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनके जिले में खुशी की लहर है।
आज सीएम नीतीश द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट बैठक शाम के 4 बजे से मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में जारी है। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाए जाएंगे। ये बैठक सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 10 सितंबर को कैबिनेट बैठक देखने को मिली थी। इस दौरान 46 एजेंडों पर मुहर लगे थे। इस बार भी कई बड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का बिहार में 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी मौका मिल रहा है। वित्त विभाग के एक संकल्प के तहत राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसके तहत 1 सितंबर 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों की तरह ही अन्य शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 22 अक्टूबर 2024 तक इस संबंध में शिक्षकों के से विकल्प मांगे गए हैं। यदि 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त हुए शिक्षक चाहें तो पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने कहा है कि ये निर्णय वित्त विभाग के 28 सितंबर नवंबर 2023 के संकल्प संख्या 1206 के तहत लिया गया है। इस फैसले के दायरे में आने वाले शिक्षक अपने नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों को एक जांच पत्रक भर कर 22 अक्टूबर 2024 तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जमा करेंगे। फिर इसे एक सप्ताह के अंदर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। पुरानी पेंशन का लाभ लेने के इच्छुक शिक्षकों को समय पर ये दस्तावेज जमा करवाना जरूरी है। दुनिया भर के क्रिकेट के दिग्गज भारत में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पहले संस्करण में शानदार T20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। विश्व के दो महान क्रिकेटर सुनील मनोहर गावस्कर और सचिन तेंदुलकर ने 6 टीमों के इस लीग की परिकल्पना की थी। ये दोनों खिलाड़ी भारत में एक कंपनी को स्थापित करने में सहयोग करेंगे, जिसमें भारत की अग्रणी खेल प्रबंधन कंपनी PMG स्पोर्ट्स और प्रसिद्ध वैश्विक खेल विपणन कंपनी स्पोर्ट्स 5 के साथ लीग के आयोजन शामिल है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग वार्षिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। इसमें जो 6 टीमें खेलेंगी उन देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका शामिल है। इस लीग का कमिश्नर महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को नियुक्त किया गया है। मैच का आयोजन मुंबई, लखनऊ और रायपुर में होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रवि कुमार राम, शशि कुमार, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, नौसाद रजा, विकास, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, रवि मोहन वर्मा, गुनर शर्मा, छोटू राजा, नवल किशोर झा, विष्णु कुमार, अबू फैजी, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, अशोक कुमार, नंद किशोर, राम पुकार, आलोक प्रियदर्शी, अनवर करीम खान, गुड्डू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज वृद्धजन दिवस पर आप अपने बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।